हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रिंकी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप DIY जो घर पे कर सकते हो बीबी क्रीम, राइट। बीबी क्रीम आप घर पे कैसे बना सकते हो। जब हम लोग मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो बीबी क्रीम में काफी कॉम्प्लिकेशन हमें ये आ जाती है कि हमें पता नहीं होता है कि वो बेबी क्रीम हमें सूट करेगी नहीं करेगी। तो इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ ज्यादा कुछ फेस पे अप्लाई किया है। और अगर कुछ प्रोडक्ट आप घर पे बना रहे हो तो ये होना चाहिए कि वो घर के ही चीजों से बना हो प्रोडक्ट। बाहर से जाके परचेज करके अगर वो चीजों का मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो फिर उसकी तो कोई यूज नहीं होगी, फिर उतने में तो हम प्रोडक्ट ही खरीद लेते हैं। तो अब मैं जो बनाने जा रही हूँ वो घर के प्रोडक्ट से बनेगा और आप जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हो तो वो चीजें आपके घर में इजीली अवेलेबल रहेगी, वो चीजों से बनाऊंगी। तो मैंने मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे DIY बनाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे लिंक्स पे जाके चेक कर सकते हो। मेरे अकाउंट में आपको और भी DIY दिखेंगे। तो ये बनाना चलो स्टार्ट करती हूँ मैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज मैं इसमें लूंगी जॉनसन्स बेबी की मॉइस्चराइजर क्रीम। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो जो आप अपने स्किन पे रेगुलर यूज करते हो वो वाली। तो इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि ड्राई स्किन वाले नहीं लगा सकते या ऑयली स्किन वाले नहीं लगा सकते। आप जो मॉइस्चराइजर आपके फेस पे अप्लाई करते हो ऑलरेडी आप वो यूज कर रहे हो, तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे आपको। मैं खाली बाउल लूंगी, इसके अंदर मैं थोड़ी सी मॉइस्चराइजर डालूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मॉइस्चराइजर ले लिया है। ये क्रीम है ना ऑलमोस्ट 2 रुपए से भी कम के कॉस्ट में बनती है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी कि नहीं थी, और आपको ऐसे और DIY चाहिए तो मैं और आपके लिए लेकर आऊंगी। इसके साथ में मैं ऐड करूंगी जॉनसन्स बेबी का पाउडर। जॉनसन्स बेबी का पाउडर इससे एक्चुअली हमारी क्रीम को थोड़ा थिकनेस मिलेगा। और ये क्रीम एक्चुअली जॉनसन्स बेबी पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट रहता है, क्योंकि हम लोग ये बेबीज के लिए यूज करते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो इसका कोई हार्म हमारी स्किन पे नहीं होगा। तो मैं ये पाउडर डाल लेती हूँ, इसमें मैंने पाउडर भी ले लिया है आप देख सकते हो। अब मेन इंग्रीडियंट जो मैं इसमें डालूंगी वो है नेस्कैफे, राइट। नेस्कैफे इसका कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको स्टिकीनेस नहीं लगेगा आपके फेस पे। और बहुत थोड़ा सा लूंगी मैं, आप अपने कलर के हिसाब से ले सकते हो कि अगर आपको ज्यादा डार्क करना है या लाइट करना है, आपको क्रीम कैसे बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हो। और मैं इसको देखो अच्छे से मिक्स कर लूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिक्स करती हूँ इसको। अगर मुझे ये फेयर स्किन टोन के लिए चाहिए तो मैं बहुत कम कॉफी पाउडर डालूंगी, अगर मेरे को थोड़ा डार्क स्किन के लिए चाहिए तो मैं थोड़ा ज्यादा कॉफी पाउडर डालूंगी। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे कि इसमें कुछ भी मॉलिक्यूल्स बचना नहीं चाहिए। तो अगर आप जब इसको अच्छे से मिक्स कर लोगे तो उसका आप रिजल्ट देख पाओगे कि वो कितना प्रिटी दिखता है। और ये क्रीम को आप बना के रख सकते हो और इसको कम से कम आप 15-20 डेज के लिए यूज कर सकते हो, तो ये क्रीम उतना टाइम तक आप स्टोर भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बना हफ्ते में और पूरा हफ्ता भी ये क्रीम यूज कर सकते हो। और इसका टेक्सचर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, आप देख सकते हो कि ये देखो लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी बीबी क्रीम। आप खुद इसे बनाइए और आप मुझे बताओ कि आपके स्किन के ऊपर कितना सूट किया। और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगी, आपको कोई मार्क नहीं दिखेगा, ऐसे पैची स्किन नहीं दिखेगी और ना ही सबको लगेगा कि आपने कुछ फेस पे अप्लाई किया है ज्यादा, और आपके जो स्पॉट्स है उसको भी कंसील करेगा। तो आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स हो गई है ये, और इसका कलर देख सकते हो आप, जो मार्केट की बीबी क्रीम है उसको और इसको कंपेयर करके देख लेना। आई होप आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा उसमें से। तो इसका मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ अपने हैंड पे। ऑब्वियसली ये मेरे स्किन टोन का तो मैंने नहीं बनाया है, थोड़ा डार्क स्किन टोन का बनाया है, बट आप देखोगे ये कितना इजिली ब्लेंड हो जाएगा अभी।
देखो मैंने कोई वीडियो को कट नहीं किया है, वीडियो चल रही है। सी इसमें आप एक्स्ट्रा सनस्क्रीन भी ऐड कर सकते हो कि मीन्स आपके पास रेगुलर डे टू डे लाइफ में ज्यादा टाइम नहीं है कि आप मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, बीबी क्रीम लगाओ, तो ऑल इन वन करके आप यूज कर सकते हो। इसमें आप सनस्क्रीन ऐड कर सकते हो, तो ये सनस्क्रीन का भी वर्क करेगा। सी दिस, बहुत इजीली ब्लेंड हुआ ये और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत जल्दी से ये बन गई, आप देख सकते हो ये। सो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये बीबी क्रीम अच्छी लगी कि नहीं लगी, और आपको ऐसे और डीआईवाई चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे डीआईवाई चाहिए, मैं वो आपको बनाकर दिखाऊंगी। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।